इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक, लॉ एंड ऑर्डर है, बातचीत करते हैं। सर, जहांगीरपुर हिंसा में अब तक क्या अपडेट है और क्या मामला था? पुलिस की एडिक्वेट मौजूदगी है यहाँ पर और सिचुएशन टोटल अंडर कंट्रोल है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरह से पीसफुल है और हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी अप्रिय घटना यहाँ ना हो पाए और जो सिटीजन्स हैं उनके साथ हम कॉन्टिन्यूस बातचीत में हैं, टच में हैं। केस दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने शुरू कर दिया है। सर, बड़े बड़े ऑफिसर्स आप भी फील्ड पे हैं, बकायदा पेट्रोलिंग कर रहे हैं, नज़र बनाए कि कुछ जो असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने का प्रयास करें उनको हिरासत में लेके उनकी कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे माहौल में, चूँकि ये सेंसिटिव माहौल होता है, यहाँ पर पुलिस बल एडिक्वेट संख्या में और साथ ही सीनियर फॉर्मेशंस के होने से आम पब्लिक में एक कॉन्फिडेंस होता है जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं और मिस्चीफ मॉन्गर्स के मन में कानून का भय। सर, कुछ उपद्रव की पहचान हो पाई है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से? सर, अब तक वो इन्वेस्टिगेशन है, वो चल रहा है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, शांतिपूर्ण माहौल बना रहे कुछ? देखिए, मेरी तरफ से और आपके इस चैनल के माध्यम से यही मैसेज होगा कि शांति बनाए रखें, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें, किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान न दें। पुलिस एडिक्वेट संख्या में मौजूद है आपकी सुरक्षा के लिए और वो हम हर हालत में मेंटेन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपेंद्र पाठक के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, जिन्होंने पूरी जानकारी बताई कि जहांगीरपुर हिंसा मामले में पुलिस जो है सख्ती से कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने रॉइड्स और अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, सीसीटीवी के माध्यम से आरोपी की पहचान की जा रही है और जो लोग यहाँ पे एक तरह से महसूस कर रहे हैं उनको भरोसा दिलाने के लिए बड़े अधिकारी जो है पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन पिंटू प्रजापति के साथ साहिल भामरी, टोटल न्यूज़, दिल्ली।